हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कटिंग जानना चाहते हैं, कुर्ती, ब्लाउज, पैंट, जो भी आप कटिंग जानना चाहते हैं, मैं आपको अपने वीडियो पर बता सकता हूं। अगर आप मुझसे कटिंग जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट्स में अपना मेजरमेंट सेंड कीजिए। एंड अगर कुछ आपके पास फोटो वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, वहां से मैं पिक करके देख लूंगा कि क्या मुझे बताना है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है जिसमें 36 चेस्ट और शोल्डर 15 इंच और इसमें तीरा बताने के लिए कहा गया है, लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं यहाँ पर क्लियर नहीं है। कुर्ती की कटिंग जानना है कि ब्लाउज की कटिंग जानना है, सो यहाँ पर क्या क्या आपको मुझे बताने की जरूरत पड़ेगा, कंप्लीट मेजरमेंट आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको कटिंग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या क्या मुझे सेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले लंबाई, ब्लाउज की लंबाई मान लो 15 इंच है, एंड उसके बाद अपर चेस्ट और फुल बस्ट। अपर चेस्ट किसको बोलेंगे, जहां पर हाथ के जस्ट नीचे नाप लेना है। मैं यहां पर ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट नीचे यहां पर अपर चेस्ट होगा, जहां पर नाप ज्यादा होगा वो फुल बस्ट होगा। बॉडी से मेजरमेंट लीजिएगा, कोई लूजिंग नहीं रखना है, नाप लेते समय पूरा फिक्स नाप लेना है। अगर आप लूजिंग रखेंगे तो मेजरमेंट में फर्क आ सकता है और फिटिंग जो है प्रभावित हो सकता है। उसके बाद कमर नापना है, तो अपर चेस्ट फिर कमर पूरा टाइट नाप लेना है। टाइट कहने का मतलब है बहुत टाइट नहीं करना है, कोई गेप नहीं रहेगा ऐसा नाप लेना है। एंड उसके बाद शोल्डर, बस्ट पॉइंट। जब ब्लाउज का आप नाप ले रहे हो, ये ब्लाउज है मान लो, ये ब्लाउज है, तो बस्ट पॉइंट यहां से नापना है। मेरे लिए, मेरे से कटिंग जानने के लिए आपको यहां से नहीं नापना है। शोल्डर का जो अंदर वाला हिस्सा होता है या गले के पास से नहीं नापना है। आपका जो कंधा जहां पर इंड होता है वहां से लेकर यहां तक का बस्ट का पॉइंट, जो हमारा कप का साइज जो होता है वहां पर जो पॉइंट होता है वहां तक आपको नापना है। इस तरीके से आप बस्ट पॉइंट नापेंगे। मान लो बस्ट पॉइंट आता है, किसी का 9 भी आ सकता है, किसी का 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वैसा यहां पर मेजरमेंट आएगा। मान लो मैं यहां पर लिख लेता हूं 10, शोल्डर आ गया 15 इंच, अपर चेस्ट आया 34 और ये आया 36 फुल बस्ट, कमर हो गया 30 इस तरीके से। तो जरूरी नहीं कि इसी अनुपात में आपका मेजरमेंट आएगा, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अपर चेस्ट जहां पर कम मैं लिख रहा हूं और फुल बस्ट ज्यादा, तो जरूरी नहीं, ऐसा दोनों बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, तो जो भी आएगा आपको मेरे को बताना है। एंड उसके बाद आपको गले का मेजरमेंट लेना है। गले का मेजरमेंट लेने के लिए यहां से लेकर टेप को सीधा रखना है, एंड जहां तक आप डीप चाहते हैं वहां तक आपको इस तरीके से सीधा रख के आपको नाप लेना है। मान लो 6 या 7 जो भी आप मेजरमेंट बताएंगे वहां पर लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद गले का डीप आप पीछे कितना रखना चाहते हैं, कितना डीप, मान लो 10 इंच का डीप चाहते हैं या 8 इंच का, 6 इंच का, जैसा भी आप चाहते हैं वहां मेजरमेंट यहां पर लिख दीजिएगा। आस्तीन की लंबाई, जितना भी आपको आस्तीन की लंबाई लेना है आप लंबाई लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको छोटा आस्तीन चाहिए कि हाफ आस्तीन चाहिए, एल्बो साइज चाहिए या 3/4 चाहिए या फुल चाहिए। आस्तीन की लंबाई बस लिखिए। एंड उसके बाद मोहरी, जब आप बड़ी आस्तीन का नाप ले रहे हो, ये कोहनी तक भी हो सकता है और फुल साइज भी हो सकता है या 3/4 भी हो सकता है, तो आपको दो जगह से मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जहां पर 4 इंच की आस्तीन आती है वहां पर मोहरी लेना है। मान लो ऊपर की मोहरी आई 14 और नीचे की मोहरी जो सबसे नीचे जहां पर आप लंबाई चाहते हैं वहां तक, यहां पर आ गई मान लो 10। इस तरीके से आपको मेजरमेंट नोट करना है। एंड उसके बाद आर्म होल लेना है। अब आर्म होल क्या होता है, जो यहां पर आस्तीन जिस गोलाई पर जुड़ा होता है उसको आर्म होल कहते हैं। अगर आपको आर्म होल लेने नहीं आ रहा है तो आपका कोई भी फिटिंग वाला जो कपड़ा है उसको लीजिएगा ऐसे, एंड यहां पर इस तरीके से आपको ऐसा खींचकर नाप लेना है। अगर आप बॉडी से नाप सके तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बता देता हूं बॉडी मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं, या यहां पर टेप रखकर
आप एक आध दो वीडियो किसी का देख लीजिएगा नाप कैसे लेते हैं, तो वहां पे आपको आर्म होल लेने का तरीका आपको पता चल जाएगा, या मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में आना पड़ेगा, और आने के लिए फिर अपना जो कैमरा जो है चेंज करना पड़ेगा फोकस, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आर्म होल ले लीजिए, तो यहाँ पर आर्म होल लिख देना है आपको, आर्म होल मान लो आया 16, तो 16 इंच लेना है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट मुझे सेंड करेंगे, तो इस मेजरमेंट को मैं एक बार फेयर कर देता हूँ। तो लंबाई लिखेंगे 15, चेस्ट लिखेंगे अपर चेस्ट 34, 36, कमर आपका 30 हो गया, शोल्डर हो गया 15, बस्ट पैंट हो गया 10, एंड गला हो गया 6 सामने मान लो, और पीछे 10 चाहते हैं आप, आस्तीन की लंबाई चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लंबाई मान लो 10 इंच का बनाना हो या 15 इंच का बनाना हो, मान लो ब्लाउज में ज्यादातर अभी एल्बो साइज चल रहा है, कोनी तक चल रहा है, तो आप लिख देंगे 10। एंड उसके बाद नीचे की मोहरी 11 और ऊपर की मोहरी 12.5। एंड आर्म होल ये होता है आस्तीन जहां पर जुड़ा होता है, मान लो आया यहां पर 15.5। तो इस तरीके से आप ब्लाउज का मेजरमेंट मुझे बता देंगे, और किस तरह का गला आप चाहते हैं उसका डीप यहां पर लिख देंगे, तो मैं आपको उस ब्लाउज का कटिंग समझा दूंगा। एंड फ्रेंड, अगर आप कुर्ती का भी कटिंग जानना चाहते हैं, तो कुर्ती के लिए क्या क्या नाप लेना है ये देख लीजिए। सो सबसे पहले तो आप लंबाई लिख लीजिए जो भी आपको कुर्ती लेना है, शोल्डर से यहां पर गले के पास टेप रखेंगे, यहां पर इधर नहीं रखेंगे, बाहर की साइड पर टेप नहीं रखना है, यहां से आपको टेप रखना है। और जहां तक आप लंबाई लेना चाहते हैं, लंबाई लिख लीजिए मान लो आया 40। एंड उसके बाद अपर चेस्ट, जैसे आपने ब्लाउज में लिया था अपर चेस्ट आया मान लो 34, फुल बस्ट आया 36, एंड कमर आया 30 इंच। एंड उसके बाद जहां पर नाप ज्यादा होगा, आपको ये नहीं देखना कि चाक कहां पर खोलना है, मान लो चाक यहां पर खोलना है, ये नहीं देखना है, आपके बॉडी में यहां पर कहां पर आपका नाप ज्यादा है उस स्थान पर आपको हिप्स का नाप लिखना है, मान लो आगे 36। एंड फ्रेंड, उसके बाद फिगर नाप लेना है। ये फिगर क्या होता है ये देखते हैं, टेप को यहां पर गले के पास रखेंगे और टेप को सीधा लटका देंगे। सो यहां पर कहां पर आपका बस्ट आ रहा है ये देखेंगे, टेप यहां पर गले के पास होना चाहिए, ना कि यहां पर शोल्डर के बाहर की ओर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सो टेप को सीधा रखने के बाद जहां पर आपका फुल बस्ट आ रहा है उस नंबर को नोट कर लेंगे, मान लो आ रहा है फिगर 11। एंड उसके बाद कमर, कमर कहां पर आ रहा है मान लो आ रहा है 14 पर, ये लिखना है। फ्रेंड उसके बाद आपको चाक कहां पर खोलना है, कितने पर, मान लो आपको चाहिए 20 पर, तो चाक जहां पर खोलना है वो लिखेंगे। एंड आपका एक्चुअल हिप्स कहां पर आएगा, 24 पर, 25 पर, या बहुत ज्यादा आप लंबे हैं तो 26, 27 में भी आएगा, वो आपको यहां पर लिखना है, मान लो आया 25 पर। तो इस तरीके से फिगर लिखना है। आप अगर आपको मैं जो बता रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट भेजना है, और यहां पर आर्म जैसे आस्तीन का नाप है वही नाप यहां पर भी लेना है। लंबाई, ऊपर की मोहरी, नीचे की मोहरी, आर्म होल, इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, और शोल्डर यहां से लेकर यहां तक शोल्डर का नाप यहां जहां पर हाथ जहां पर स्टार्ट होता है वहां तक के लेना है, एक छोर से दूसरी छोर तक। आपको ये नहीं देखना है कि आप ब्लाउज का जो जॉइंट है या कुर्ती का जॉइंट है वो कहां पर आ रहा है, अगर वो ज्यादा होगा तो ज्यादा नहीं लेना है, बाहर अगर कम होगा तो कम नहीं लेना है, एक्चुअल जो शोल्डर होना चाहिए उसका मेजरमेंट लेना है। किसी वीडियो में मैं और आगे बता दूंगा कि मेजरमेंट बॉडी से मेजरमेंट कैसे। तो इस तरीके से आप मुझे अपना मेजरमेंट लेकर भेजिए। गले का टाइप, आप किस तरह का गला चाहते हैं वो गला आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कटिंग जो है बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।